हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सपोज़ ये मेरा ट्रू नॉर्थ है, ये ट्रू साउथ है, ट्रू ईस्ट, ट्रू वेस्ट, दिस इज़ मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक ईस्ट, मैग्नेटिक वेस्ट। नाउ सपोज़ यहाँ पे ये कोई लाइन है और मुझे इस लाइन की बेयरिंग निकालनी है, तो मैं इस लाइन की बेयरिंग कैसे निकालूँगी? कुछ इस तरह होगी इसकी बेयरिंग, और इस बेयरिंग को क्या कहेंगे हम? ट्रू बेयरिंग। क्यों? क्योंकि ये ट्रू मेरिडियन है और ये ट्रू नॉर्थ से ली गई है, इसलिए ये ट्रू बेयरिंग है। अब सपोज़ यहाँ पे कोई एक लाइन लाई कर रही थी और मुझे इस लाइन की बेयरिंग चाहिए थी, तो इस लाइन की मैं बेयरिंग कैसे लूँगी? मैं इसकी बेयरिंग मैग्नेटिक नॉर्थ से लूँगी और इस बेयरिंग को क्या कहेंगे हम? मैग्नेटिक बेयरिंग। मैग्नेटिक नॉर्थ से ली हुई बेयरिंग मैग्नेटिक बेयरिंग और ट्रू नॉर्थ से ली हुई बेयरिंग ट्रू बेयरिंग। अब इन दोनों केसेस को हम मर्ज करते हैं। सपोज़ पहले ये ट्रू नॉर्थ था, ये ट्रू साउथ, ट्रू ईस्ट एंड ट्रू वेस्ट। अब हमें ये क्या समझना है कि जो मैग्नेटिक मरीडियन है अर्थ का, वो ट्रू नॉर्थ के इधर भी हो सकता है और ट्रू नॉर्थ के इधर भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारी ये अर्थ है सपोज़, तो इसका ट्रू नॉर्थ तो फिक्स्ड रहेगा, ट्रू नॉर्थ तो अपनी जगह पे रहेगा, पर जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है अर्थ की, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, ये कभी भी एक जगह पे नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की चेंज होती रहती है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज होती रहती है, तो इसका मतलब तो ये है कि मैग्नेटिक मरीडियन भी फिक्स नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि मैग्नेटिक मरीडियन हमेशा कुछ इस तरफ ही होगा, हम ये भी नहीं कह सकते कि मैग्नेटिक मरीडियन कुछ इस तरफ होगा। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की चेंज होती रहती है, इसलिए मैग्नेटिक मेरिडियन कभी भी कांस्टेंट किसी जगह पे फिक्स नहीं होता। फिक्स लिख देते हैं यहाँ पे, कभी भी किसी कांस्टेंट जगह पे फिक्स नहीं रहता, ये कहीं इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रू नॉर्थ हमेशा फिक्स रहता है और इसलिए इससे ली हुई बेयरिंग, मतलब ट्रू बेयरिंग, वो फिक्स रहेगी, पर मैग्नेटिक मरीडियन क्योंकि फिक्स नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक बेयरिंग भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम पहले देखते हैं कि मैग्नेटिक मरीडियन ट्रू नॉर्थ के कुछ इस तरफ है, टूवर्ड्स ईस्ट है। हमने अभी क्या मान लिया है कि मैग्नेटिक मरीडियन ट्रू नॉर्थ के कुछ इस तरफ है, टूवर्ड्स ईस्ट है। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ और ये हो गया मैग्नेटिक साउथ। और ये कोई लाइन थी जिसकी अब हमें बेयरिंग चाहिए, ठीक है। सो इसकी ट्रू बेयरिंग, इसकी ट्रू बेयरिंग कैसे ली जाएगी? ट्रू नॉर्थ से क्लॉकवाइज ये हो जाएगी इस लाइन की ट्रू बेयरिंग, ट्रू बेयरिंग, ओके। और इसकी मैग्नेटिक बेयरिंग की बात करें तो मैग्नेटिक बेयरिंग कैसे लेंगे? मैग्नेटिक नॉर्थ से क्लॉकवाइज जो होगी वो हो गई इस लाइन की मैग्नेटिक बेयरिंग। ये तो हो गई इसकी ट्रू बेयरिंग जो हमने ट्रू नॉर्थ से ली, और ये हो गई इसकी मैग्नेटिक बेयरिंग जो हमने मैग्नेटिक नॉर्थ से ली। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक एंगल ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच भी बन रहा है, ये
ये हमारा है डेल्टा, ये डेल्टा हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है। तो हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ट्रू बेयरिंग और मैग्नेटिक बेयरिंग में एक रिलेशन लिख सकते हैं कि ट्रू बेयरिंग इक्वल्स टू, ट्रू बेयरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस डेल्टा। डेल्टा और डेल्टा क्या हो गया, डेल्टा टूवर्ड्स ईस्ट। दिस इज मैग्नेटिक बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस दिस डेल्टा इक्वल्स टू ट्रू बेयरिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब पहले केस में तो हमने मैग्नेटिक मरीडियन हमारा कुछ इस तरफ करा था, एज्यूम अब हम मैग्नेटिक मरीडियन को टूवर्ड्स वेस्ट करके देखेंगे। सपोज मैग्नेटिक मरीडियन ट्रू नॉर्थ के कुछ इस तरफ है टूवर्ड्स वेस्ट, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, ये हो गया मैग्नेटिक साउथ। सो और अगेन ये कोई लाइन है जिसकी हमें बेयरिंग निकालनी है, सो इसकी ट्रू बेयरिंग क्या होगी, ट्रू बेयरिंग तो ट्रू नॉर्थ से ली जाएगी, ये हो गई इसकी ट्रू बेयरिंग। और मैग्नेटिक बेयरिंग कैसे लूँगी, मैग्नेटिक नॉर्थ से, ये हो गई इसकी मैग्नेटिक बेयरिंग। सो और एक चीज़, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में बनने वाला ये एंगल हमारा डेल्टा हुआ, डेल्टा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो डेल्टा और ट्रू बेयरिंग और मैग्नेटिक बेयरिंग में हम एक रिलेशन लिख सकते हैं, ट्रू बेयरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बेयरिंग माइनस डेल्टा। क्या है, ट्रू बेयरिंग इक्वल्स टू इस पूरी मैग्नेटिक बेयरिंग में से जब हम इस डेल्टा को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ट्रू बेयरिंग। तो वही मैंने लिखा है, और डेल्टा किस तरफ है, टूवर्ड्स वेस्ट। तो इससे हमारे ये दो केसेस बने। हमने क्या देखा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मरीडियन एंड मैग्नेटिक मरीडियन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मरीडियन एंड मैग्नेटिक मरीडियन। पहले केस में हमने अपना मैग्नेटिक मरीडियन टूवर्ड्स ईस्ट एज्यूम करा, ये है, और दूसरे केस में हमने अपना मैग्नेटिक मरीडियन टूवर्ड्स वेस्ट यू हमने एज्यूम किया है। ऐसा क्यों, क्योंकि दिस इज़ द पॉइंट जो हमें याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक मरीडियन भी कांस्टेंट नहीं है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।